हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले जो बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर सोलापुर यूनिवर्सिटी, जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होकर सोलापुर यूनिवर्सिटी, तो इसका सिलेबस देखने वाले फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं बीए के, वो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं लाता रहता हूँ। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला सेमेस्टर होता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी सब्जेक्ट अच्छा है, आपको मजा भी आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं रहता, बहुत बच्चे पूछते हैं कि बीए में मैथमेटिक्स होता नहीं है तो यहाँ पे कैसे, तो कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पे बेसिक रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। जो सेकंड सेमेस्टर होता है यहाँ पे जो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये भी सब्जेक्ट अच्छा है। उसके बाद साइकोलॉजी होता है, उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो लास्ट में होता है ये यहाँ पे मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में सोलापुर यूनिवर्सिटी में बीए के। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।